हमारे उतरते के साथ ही इतनी तेज स्नोफॉल हो रही है और हम वहाँ चादर उड़ के फिर बाद में लगा हुआ क्रॉस करना है ये। यार ये तो अंदर से पूरा गीला हो गया होगा। माँ ये तो बहुत ज्यादा गीला हो रहा है। हम लोग जो है साथ पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कजीला कश्यप सो रहे हैं। कश्यप का फोन जो है मैं गाड़ के जा रही हूँ यहाँ से। सो ये है सौगात का पहला व्यू टू और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और ये कश्यप कराटे लेते हुए और ये साथ में है कजीला कराटे लेते हुए। तो हम लोग आ चुके हैं पता नहीं किधर, लेकिन जिधर भी आए हैं यहाँ पे बड़ा अच्छा है। यहाँ पे बारिश हो रही है एज यू कैन सी और हम माद और फजीला लड़ रहे हैं, आप लोग भी देखे हैं। गाइस बहुत ठंड हो रही है बाहर, तुम लोग को यहाँ पे ठंड नहीं लगती है? ठंड लगती है? लगती है ठंड कितनी? मुँह से धुआं आ रहा है तुम्हारे, बोलो ऐसा रहा करो। है ना। हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग को बताऊँ कि मेरा फ़ोन तो बाहर नीला ने उठा लिया था और उसने व्लॉग नहीं स्टार्ट कर दी क्योंकि मैं सो रही थी। मेरा सोचा कोई भी ऐसे कैंसिल हो, हमारे मुँह से ऐसे धुआं निकल रहा है जैसे पता नहीं हमारे मुँह में गर्म गर्म चाय हो। ओह माय गॉड, और सर्दी बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। नहीं चाहिए एक मिनट, नहीं चाहिए हमें, लेकिन आप लोग अंडे बना के रखते हैं आप लोग हाँ, तो आप ये बना के फटाफट अंदर लाते हैं। उसमें क्या है? उसमें नान गरम करने के लिए रखा गरम। तो ये गरम कैसे हो रहे हैं? स्टीम में रख लिया ना, नीचे पानी डाल लिया फिर जल रख लिया फिर। अच्छा मतलब अभी ठंडा नहीं होगा? दिखाएं। वाओ नाइस। उसमें क्या है? चना आलू क्या है? आलू आलू भुजिया। ओ नाइस। और आप लोगों को मैं बताऊं, इसने इतनी मोटी चादर ली हुई है उसके बावजूद मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ, ऊपर से मैंने इतना पतला टाइट पहना हुआ। अल्लाह ने जो इतनी मोटी चमड़ी दी है तो मैं वो किस काम है? फजीला सही बात है, मैं तो इंसान ही नहीं, चमड़ी दी हुई है तो तुमने तो जानवर बना दिया। और मुंह से बकायदा धुआं निकल रहा है, ये देख बाहर निकल जाता है, निकल रहा है। और हमारे पास नाश्ते में बहुत कुछ था, खा लिया। व्लॉग बनाना भूल गया, पता नहीं बनाया नहीं बनाया। क्या था और हम लोग बाहर आए और यहाँ पर बारिश हो रही है और हम लोग इतनी सर्दी में भी बारिश के नीचे खड़े हुए बारिश का एंजॉय कर रहे हैं। अनिला को दिखा रही है, अनिला ये ठीक था। यहाँ पे कितनी गर्माइश हो रही है ना यार, पराठे भी मजे के, नाश्ता भी मस्त, और क्या चाहिए जिंदगी में? चाय वो भी मिल रही। और हम लोगों ने टरक वाली चाय लिया, टरक वाली जैसे कराची की बूट बेसन का नाश्ता होता है ना वैसा नाश्ता यहाँ पे बहुत मजेदार, धान की चाय। आ हा हा हा, और इस ठंड में मजे बहुत मजा। मतलब मैं कभी ठंड में नहीं आई, ये मेरे मुँह से क्या निकल रहा है? यहाँ आप पराठे बनाते हैं जी? मैं अब मेरा बारिश कितना टाइम हो गया आपको? अभी आपकी बारी लगती है? नहीं बारी, वो पराठों वाला खंडीर के लिए चला गया। अच्छा और खंडीर बनाते? अच्छा नहीं, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे पराठे बनाते हुए? पराठे बनाते हुए कितना टाइम हो गया? मालिक के साथ 14 साल गुजार दिया। 14 साल गुजार दिया उनको कल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फुल कुक। चलो नाम भी बता दो अपना। सब छोड़ो, आलू कौन बनाता है? आलू भुजिया मैंने, आलू कौन बनाता है? आलू आलू भुजिया मैंने बनाया था। अच्छा ना मैंने सच बताया, एकदम मजे का था, बहुत मजे का आलू की भुजिया। और इसके साथ शामी बर्गर से लेकर पिज्जा तक मैं जिम्मेदार हूं। ओह माय गॉड, अब हमें पिज्जा कब खिलाओगे तुम? ऑल नहीं है, स्टूडेंट पहला बारेन में था, उससे लैब में इफेक्ट हो गया। अच्छा सारा चीज चला गया। ओहो।
और हमारे जब मैं पैदा हुई थी ना तब भी बहुत ज्यादा जो ना अल्लाह पाक ने हमें वो दी थी, इसको क्या बोलते हैं, नेमत। मैं भी एक नेमत थी और ये भी एक नेमत है, और आज मैं सवात आई हूँ तो आज भी नेमत ही नेमत है यहाँ पे। और इतनी तेज बारिश हो रही ना कि बस क्या बताऊँ। कैसा लग रहा है आप दोनों को? मजा। तुमने तो बर्फ पहले भी देखी होगी। बर्फ तो मैंने बर्फबारी बहुत कम लोगों को मिलती है, कह रही हूँ। माँ सारा सामान गीला हो रहा है सारे बैग से। तुम्हारा कौन सा वाला बैग है? लाल लाल वाला बैग तो सही है, काला वाला जो आज लिया काला सस्ता बैग लिया है, उसके अंदर सही पानी जाएगा, लेकिन अच्छा है कि वो बैग के अंदर बैग है। चलो आ जाओ, खोल दो, बर्फ गिर रही है हमारे ऊपर। और गाड़ी में कितना सुकून है, सर के अंदर तो बर्फ ही चली गई है। फजीला कैसा लग रहा है आपको व्यू बाहर का? और हमार तो पूरी रात से इसने सिर्फ ड्रामे देखे हैं। मैं इतनी खुश हो रही हूँ, मैं बेचारा नहीं रह जाऊँ लेकिन जब तक बर्फ पड़ रही है। मेरा बेचारा मैं यही रहूँ जब तक बर्फ पड़ रही है। उतरते के साथ ही इतनी तेज स्नोफॉल हो रही है और हम बाहर चादर लड़ के फिर भागने में लगा हुआ है। क्रॉस करना है ये हमारे क्या? ओह माय गॉड, हमारे नसीब कितना अच्छा है ना, वी आर लकी यार। हम लोग अपने होटल फाइनली आ चुके हैं बहरीन। अल्लाह तो हमारे आदमी के साथ तोफे ही। आप लोग BTS चेक करें इनकी खुशी के, गेट पे भी कोई आ गया। बंद करो फिर तुम देखो ना, हसन देखो, देखते रहो। हम लोग का रूम मिल गया। अच्छा अच्छा, नीला और फजीला एक बेड पे, बल्कि असद और हमाद एक बेड पे। सुन वाले, मैं फजीला और अनिला यहाँ। फजीला वीडियो कितनी अच्छी बनेगी। यार ये तो अंदर से पूरा गीला हो गया होगा। माँ ये तो बहुत ज्यादा गीला हो रहा है यार। माँ यार ये क्या हुआ है? मुझे बहुत शदीद रोना आ रहा है यार, ये क्या हुआ है? कश्यप लॉग बुक दिखाओ इधर। यार शिट यार, बच गए। यहाँ सब गीला है, ये देखो। इतना नहीं है कश्यप, बदबू नहीं मारेगा, खोल के भी सजा देते हैं। मेरा गाइस बैग ऊपर से पूरा गीला है, लेकिन अब लेट्स सी कि इनसाइड क्या है। बिस्मिल्लाह। ओपनिंग सेरेमनी की बैग की। राजा मेरे 22,000 रुपए की जरूरत है। सब सूखा हुआ है। यार मेरा तो सब गीला हो रहा है यार। शेड अम्मात पूरा गीला है। लेकिन इसमें सामान थैली में डाला हमने, जूते भी थैली के नीचे डाले हमारे, कुछ भी गीला नहीं होगा। आ मेरा पाँव है भाई, वाकई में बहुत गीला हो रहा है। लेटाओ ना, इसको ऐसे नहीं खोल। नहीं हो रहा है ये तो भले गीले गीला। मेरे उधर कोने से पानी गया है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ से पानी गया। मेरा भी हो रहा है। अनिला पूरा गीला है, लेकिन ऐसे लग रहा है नया बैग है। हाँ
गीला मेरा भी है लेकिन अंदर कुछ गीला नहीं हो गया। आपने वो हटाया तो चेक करो जान। हाँ मित्र उसने दिखाया नीला ने पूरे 200 रुपए की लाया हूँ। नहीं 300 400 नहीं 400 400 ये देख ये भी 400 ये भी 400 प्यारा लग रहा है बहुत। हमारा बंद कर दो बैग चेक कर दो। तेरा सूट दे दिया ना इनको बोलो जल्दी जल्दी आए यहाँ पे और हीटर भी दें और वॉशरूम भी साफ करें। अच्छा तो नहीं लगाए हीटर के लिए फजीला को मैंने पीछे से भेजा है हीटर इन लोगों को मुफ्त में देना पड़ेगा। सर्दी से इतनी और मैं सोच रही यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे यार। हमारे आते जो रुइया गिरना शुरू हुई है बर्फ की मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ऐसा है कि बोला भी नहीं जा रहा। फजीला क्या हुआ? फजीला इधर दो बैग तुम अंधी हो और हम तो है एक नंबर का दो ना मैं दे रही हूँ तुम यही चार्ज लगाओ यार। अम्मा कम्बल के अंदर गंदगी फैला रहा और मुझे सुन बर्फ से हाथ इतना सख्त हो गया है ना कि मैं तुझे मारूंगी। नहीं है मेरे काले बैग के साथ क्या हुआ है? बारिश में गीला हो गया। हमारे बैग बारिश में गीले हो गए इतनी ठंड में हम क्या करेंगे यही पहन के रखेंगे क्या इसी में वीडियो बनाएंगे? गाली कैसे छींक सकते हो मुझ में? अल्लाह से सच में गाइस अगर आप लोग को बेहतरीन एक्ट्रेस एक्ट्रेस सॉरी एक्ट्रेस चाहिए तो आई अल्लाह आंसू देखो चक्कर प्यारो तुम बस दो मुझे कॉलर निकाले जैसे मैंने निकाले तुम्हारा मुझे वो तो फदीला तो जमाई से आए नहीं मैं रो रही हूं। एक मिनट रुकना इधर देखो आई अल्लाह वो देखो हाथ मेरी बात सुने मैं मेथड एक्टर हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अगर आंख में कुछ लेना भी पड़ गया ना आंसू निकालने के लिए तो मैं वो भी करूंगा चैलेंज ही करके। फजीला मैं तो क्या विश्वास नहीं करूंगी तू जैसे रो रही है तो किसी भी वक्त कभी भी किसी भी तरह रो सकती है। फजीला मेरा तो व्लॉग बनाने का बदलने जाना हाथ जम रहे हैं। ओके गाइस हम लोग जा रहे हैं हम लोग थोड़ी देर सो गए थे अब उठे हैं और हम लोग जा रहे हैं। तुम और फजीला जो पूरी बस में भी सोते आए और जा रहे हैं और हाँ इतने दर्द कर दो ना मम्मा को बहुत मिस कर रही हूं। फजीला का लुक दिखा क्योंकि उन्होंने सारी चीजें फजीला का लुक दिखा फजीला इधर गाइस मेरा आउटफिट चेक करें मेरा आउटफिट कैसा है मेरा भी पीछे फजीला तुम दिखा लेदर के बूट्स पहने हुए हैं अभी मुंह से धुआं ओए रुक रुक कश्यप भी पकड़ मैं गिरनी चाहूं नहीं मैं मुंह से धुआं निकालना चाह रहा हूं। हम लोग आए खाना खाने के लिए कि बुरी बुरी हालत हो रही है हमारी सर्दी से इसको रगड़ेंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा सब तुम बन जाओ अलादीन का चिराग अलादीन का चिराग कुछ भी मान लो मान लगे हमारे मुझे कोई कॉन्टेंट एक और रख दो तीन दो हाँ थैंक यू सॉरी गाइस चम्मच भी नहीं है।